ये जब उन्हें कंसेप्ट आया था कि हमें एक फिल्म करनी है अ जर्नी ऑफ सम्यक बुद्ध, तो उसके लिए उन्हें जो कैरेक्टर्स चाहिए थे वो कैरेक्टर्स छाने के लिए उन्होंने वो डायरेक्टर साहब से बात की और उन्हें तब मेरा एड्रेस मेरा रेफरेंस मिला था, तब जाके उन्होंने ऑडिशन के लिए मुझे बुलाया और उसके बाद में हमने फिर मैंने ऑडिशन दिया कॉस्ट्यूम में, मैंने अपना ऑडिशन दिया, उसके बाद फिर सिलेक्ट किया। सर जब मुझे पता चला कि मैं सिलेक्ट हो गया हूँ तो सर ने मुझे भगवान बुद्धा एंड हिज धम्मा जो बुक है वो बुक दी थी मुझे पढ़ने के लिए और वो बुक मैंने करीबन 3 बार पढ़ी क्योंकि ऐसे इंस्ट्रक्शन थे सर की तरफ से मुझे 3 बार, जब तक पढ़ता नहीं तब तक शूट चालू नहीं होगा ऐसा स्ट्रिक्टली कहा गया था। और जब 3री बार मैंने बुक पढ़ा तब मुझे वो रियलाइज़ होना कि होने लगा कि अभी मैं मतलब ये रोल परफॉर्म कर पाऊँगा। फिर भी जब शूट चालू होने वाला था तब तक मैं नर्वस था, जब शूट चालू हुआ तो डायरेक्टर साहब ने हमारे कैमरामैन साहब और हमारे साठे जी जो है जिन्होंने मुझे तैयार होने में काफ़ी मदद की थी तो इन लोगों ने मुझे काफ़ी सहयोग किया, इस वजह से मैं अपनी तरफ से काफ़ी आसानी से ये रोल पर्दे पर उतार पाया। ये पिक्चर मुझे कैसी मिली और क्यों मिली? ये पिक्चर हमारे एक दोस्त है विजू बाबुलकर करके, विजय बाबुलकर, हम और वो उनका संच मॉडलिंग किया करते थे, तो उनके ध्यान में आया कि अपने विदर्भ में एक पिक्चर बन रही है जिसका नाम है द जर्नी ऑफ सम्यक बुद्धा, जिसके डायरेक्टर प्रवीण जी दामले, वो ऑडिशन ले रहे हैं। वो ऑडिशन पे मैं गया, उसने मुझे बताया कि वहाँ ऑडिशन, तो ऑडिशन पे जब मैं गया तो वहाँ बहुत सारे लड़के थे, दामले साहब ने मेरा ऑडिशन लिया, मैंने उन्हें फ़ोटोज़ वगैरह दिए, मेरा बायोडाटा वगैरह दिया और उन्हें जिस टाइप से जो रोल चाहिए था, जो किरदार चाहिए था, वो शायद उन्होंने मेरे रूप में वो किरदार को लिया। एक्टिंग करियर के लिए तो ये हमारी शुरुआत कह सकते हैं और हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है 100% अपनी तरफ से रोल उतारने की, लेकिन बात यह है कि भगवान बुद्ध का रोल ना कोई कर पाया था ना कोई कर सका, अपनी तरफ से 100% कोई नहीं दे पाया क्योंकि भगवान बुद्ध एक ही हुए थे और एक ही रहेंगे, फिर भी हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है 100% देने की और हमें लगता है कि लोग भी पसंद करेंगे इस कैरेक्टर को।